आज आपको बता रहा हूँ मैं खाद की एंट्री किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे मर्चेंडाइज पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। सब क्लिक करेंगे तो कुछ प्रकार खुलेगा। यहाँ पर आपको जाना है सेल पे, सेल पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है, ठीक बोलेगा। अब लेना आपको एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर कहाँ से लोगे? आपके एडमिशन नंबर जो आपके हैं, यहाँ पर मान लो मेरे पास एडमिशन नंबर है आपके, ये वाले कंट्रो सी करा, अल्ट टैब के साथ वापस गए इस एडमिशन नंबर पे, और यहाँ पर एडमिशन नंबर पे यहाँ पर क्या करना है आपको, पेस्ट कर देना। सब पेस्ट करोगे, बाहर क्लिक करना है तो उसका नाम आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कैटेगरी। कैटेगरी में क्या लेना है आपको, फर्टिलाइजर लेना है। क्या लेना है? फर्टिलाइजर। इस पर क्लिक करोगे आप, सिर्फ क्लिक करो। उसने पूछा आपका पैक से बिल बुक्स, यहाँ पर बिल बुक नंबर लिखना है आपको। तो मेरे बिल बुक यहाँ पर है, सेकंड टू सी करा, अल्ट टैब के साथ क्लिक करा तो वापस पे क्लिक यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर आपको जाना है यहाँ पर, आपको प्लस का निशान पे क्लिक करना है। ये प्लस निशान लिख गया, इस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर आप पूछे उसने आइटम, आइटम क्या लोगे आप? तो हमने लिया डीएपी। क्या लिया आपने? डीएपी। यहाँ पर यूनिट जो आपके 50 बैग की रहेगी, कितनी यहाँ पर मात्रा है, पहले ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। सेल, ठीक है, कितने आपने सेल किए, व्यक्ति को कितने आपने परचेस कर रहे हो आप। तो उदाहरण के सेल करने ने मुझे इसने लिया आपने डीएपी 5 कट्टे, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 5। फिर यहाँ पर प्लस करना है क्योंकि मुझे वापस यूरिया भी लेना है मुझे, तो आप यहाँ पर लोगे यूरिया, ओके। फिर इसके कितने हैं, इसके भी हमने 5 बैग दिए यहाँ पर, तो इसके वापस 5 बैग लिख दीजिए आप। अगर और खाद लेना है तो आप यहाँ पर प्लस कर दोगे, और नहीं लेना है तो मुझे यहाँ पर आएगा पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करोगे आप, क्या करोगे, क्रेडिट पे क्लिक करोगे, ठीक है। जिसके बाद आप आ गए अकाउंट टाइप्स। अकाउंट टाइप्स पे क्या करोगे आप, लोन लेना आपको। जिसके बाद अकाउंट्स, यहाँ पर लेना आपको लिमिटाइज पे क्लिक करोगे आप, और जहाँ पे नीचे जाना आप, और यहाँ पर देखना आपको कन्फर्म, कन्फर्म पे क्लिक करोगे। जैसे आप करोगे इस प्रकार का आपको यहाँ पर खुल जाएगा। आप इस पर आपने लिया यूरिया और प्लस डी ए पी लेता है ना, तो उनकी मात्रा कितनी, राशि कितनी आ रही, 80%। राशि और मिलान कर लेना कि आपकी सही है राशि है गलत है, तो यहाँ पर कितनी आ रही है 80%, ओके। आ गए यहाँ से, हम उसको सेव कर दो। हम सेव करेंगे तो सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल के बाद आप क्लिक करोगे, ये आपकी बिल बुक यहाँ पर आ गई, ठीक है। और इस बिल बुक क्या करना, आपको यहाँ से क्लोज कर देना, ठीक है। इसके बाद उसने पूछा है सेल परचेस, आपको करना है सेल, आपने सेल परचेस के लिए क्लिक करना है। उसके बाद उसने आएगा एक्टिविटी, एक्टिविटी में सेल रखना है, क्योंकि यहाँ पर और भी ऑप्शन है, लेकिन आपको सेल ही करना है, क्योंकि सेल कर रहे हम। गोडाउन पर करना है, जो गोडाउन से आपने सेल कर रहे परचेस कर रहे हो, क्लिक करना है आपको, ठीक है। इसका आ गया पेमेंट मेथड्स, क्या लिखोगा, पेमेंट कैश क्रेडिट, तो हम क्या करना है, क्रेडिट करना है, ओके, क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पर जनरेट न्यू बैच, जनरेट न्यू बैच पे क्लिक करना है। इसे हम क्लिक करोगे तो ये आपकी बैच जनरेट हो जाएगी। और भी आपको करना है व्यू, व्यू पे ऐसे करोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका, और इसको यहाँ पर सेव कर देना। सेव करोगे तो ये आपका परचेस हो जाएगा, इसे सक्सेसफुल करना है, ओके, ठीक है। फिर वापस तो उसमें चाहो तो हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, या फिर सेल वापस नेक्स्ट किसान देने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, सेल क्लिक करना है। तो उसी प्रकार से हम नए किसान की एंट्री उस प्रकार से कर सकते हैं। तो सेल का एंट्री किस प्रकार, खाद की एंट्री किस प्रकार करते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया।